सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, मेरे एक मित्र ने पूछा कि तथागत बुद्ध ये क्षत्रिय थे या नागवंशी थे, तो इसका उत्तर वैसे मैं पहले के एक वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन आज दूसरे तरीके से देना चाहता हूँ। और एक पुराने वीडियो में, शायद पिछले साल मैंने वो वीडियो डाला था, उसमें भी इसका जवाब है, लेकिन फिर से मैं उस बात को बताना चाहता हूँ। तो तथागत बुद्ध जो है वो नागवंशी थे। पहले तो ये भी समझा जाता था कि बुद्धिस्ट अलग है और नागवंशी अलग है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो नागवंशी थे उन्होंने ही बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाने का काम किया। बुद्धिस्ट अलग और नागवंशी अलग है, ऐसा नहीं है। तो इस बारे में हमको जो जानकारी है वो जानकारी हमें मिलती है अम्बट सूत्र से। अम्बट सूत्र में जो अम्बट नाम का ब्राह्मण होता है वो तथागत बुद्ध के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाता है और उनके शाक्य गण को अनाप शनाप बातें करता है। तो उस चर्चा में तथागत बुद्ध अपने फोर फादर के बारे में जब बताते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि हम लोग मूलतः इक्ष्वाकु वंश के लोग रहे हैं। इक्ष्वाकु वंश से हमारा नाता रहा है, और जब हिमालय के तराई के क्षेत्र में आए तो यहाँ पर भी शाक्य गण की स्थापना की, लेकिन मूल रूप से इक्ष्वाकु वंश के रहे हैं। तो अम्बट सूत्र से हमें जानकारी मिलती है कि तथागत बुद्ध के जो फोर फादर है वो इक्ष्वाकु वंश के रहे। अभी इक्ष्वाकु वंश कौन सा था या क्या था, तो पुरातत्व विभाग के डिप्टी डायरेक्टर रहे नवल वियोगी जी। तो नवल वियोगी जी ने किताब लिखी, नाग प्राचीन भारत के शासक। तो उन्होंने उस किताब में बताया कि जो इक्ष्वाकु वंश है वो नागवंशी है। तो तथागत बुद्ध अम्बट सूत्र में कहते हैं कि हमारे फोर फादर इक्ष्वाकु वंश के थे, और नवल वियोगी जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश नागवंशी है। इसका मतलब ही ये है कि तथागत बुद्ध नागवंशी थे। इसलिए पहली बात ये क्लियर हो जानी चाहिए कि बुद्धिस्ट और नागवंशीय दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि नागवंशियों ने ही बुद्ध धम्म का बड़े पैमाने पर पूरे भारत में प्रचार प्रसार फैलाव किया। बुद्ध के जन्म के बाद बुद्ध धम्म संघ का जो प्रचार प्रसार हुआ उसके कारण वो आइडेंटिटी बुद्धिज्म की हुई या बौद्धों की हुई। लेकिन बौद्धों के पहले, फिर अगर बुद्ध के जन्म के पहले अगर भारत के जो बहुजन समाज है उसकी आइडेंटिटी की बात किया जाए, तो भारत का संपूर्ण बहुजन समाज अपने आप को नागवंशी कहता था, मूलतः नागवंशी थे। बुद्ध के जन्म के बाद बुद्धिज्म की पहचान बनी ना, तो बुद्ध के जन्म के पहले भी तो फिर पहचान रही होगी, बिना पहचान के तो थे नहीं, तो नागवंशी की पहचान थी। तो पहली बात ये क्लियर है कि बुद्धिस्ट और नागवंशी दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है, पहला ये। अब दूसरा प्रश्न जो मेरे मित्र ने जो पूछा था कि बुद्ध क्षत्रिय थे या नागवंशी थे, तो एक्चुअल में इस बात को बताने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो जो घर के जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, वो प्यार से उसका नाम कुछ रखते हैं। जैसे मेरे भाई के बच्चे का नाम हमने, मतलब घरेलू परिवार के लोगों के लिए, टुक टुक रखा, और कई बिट्टू और सोनू वगैरह इस टाइप का रखते हैं। लेकिन बाहर के लोगों के लिए वो नाम अलग रखते हैं। तो बाहर जो उनका नाम रहता है वो रोहन सोहन मोहन जो भी है, तो इस टाइप से अलग रहता है। तो एक ही व्यक्ति के दो नाम हो गए। तो मान लीजिए घर में सोनू नाम है और बाहर जो है उसका सोहन नाम है, तो अब अगर प्रश्न किया जाए कि सोनू कौन है और सोहन कौन है, तो दोनों तो एक ही है, लेकिन घर के लोगों के लिए वो सोनू है और बाहर के लोगों के लिए वो सोहन है। इसी प्रकार जो बुद्ध है वो नागवंशी भी है, क्षत्रिय भी है। लेकिन अब नागवंशी जो है ये हमारे पुरखों ने, भारत के हमारे मूल निवासी पुरखों ने अपने वंश का नाम रखा, वो है नागवंशी। उन्होंने नाग को अपना टोटम बनाया और अपनी पहचान बनाई नागवंशी के रूप में। और क्षत्रिय की जो पहचान है ये ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था के कॉन्सेप्ट की दी गई पहचान है।
तो ब्राह्मणों ने नाम रखा क्षत्रिय। नागवंशियों में जो राज घराने से राज परिवार से जुड़े हुए लोग थे, तथागत बुद्ध के जो पिता है शुद्धोधन राजा, वो शाक्यगण के उस समय राजा हुए और उनके पुत्र तथागत बुद्ध हुए या सिद्धार्थ हुए जो राजकुमार कहलाए। तो इन राजघराने से जुड़े हुए लोगों को ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय कहा गया, लेकिन हमारे मूल निवासियों के कॉन्सेप्ट के अनुसार वो नागवंशी है। तो बाहरी लोगों ने नाम क्या रखा, यानी विदेशी ब्राह्मणों ने नाम रखा क्षत्रिय, और हमारा जो मूल निवासियों का कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार हम सभी नागवंशी है। इस तरह बुद्ध जो है नागवंशी और क्षत्रिय दोनों है, लेकिन मूल निवासियों की नज़र से नागवंशी है और ब्राह्मणों की नज़र से क्षत्रिय है। ये है, ये बात मैंने उस मित्र को बताई। तो मुझे लगा ये जो प्रश्न उत्तर होते हैं या कोई ऐसी जानकारी आती है तो बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है और बहुत लोग इस बात को इसमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि आखिर किसे क्या कहा जाए। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया कि बुद्धिस्ट और नागवंशी दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि नागवंशी लोगों ने ही बुद्ध धम्म का बड़े पैमाने पर फैलाव प्रचार प्रसार किया, और बुद्धिस्ट और क्षत्रिय या बुद्ध के बारे में कहा जाए कि वो नागवंशी थे या क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय ये कॉन्सेप्ट ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों ने जैसे अछूत कहा, शूद्र कहा वगैरह वगैरह हमारे लोगों के नाम रखे, असुर कहा, राक्षस कहा, तो ये ब्राह्मणों का दिए की वर्ण व्यवस्था का नाम है क्षत्रिय, जबकि हम मूल निवासियों का द्वारा जो आइडेंटिटी बनाई गई वो नागवंशियों की आइडेंटिटी बनाई गई। हम अपने आप को नागवंशी इस नाम से जाहिर करते थे। ये दो बातें क्लियर होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही कहना चाह रहा था। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।